हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में। स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन, उसके अंदर हम देखेंगे क्यूज, किस वजह से स्लज और स्केल का फॉर्मेशन होता है। डिसएडवांटेज, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर स्लज और स्केल का फॉर्मेशन हो जाए तो। प्रिवेंशन ऑफ स्लज एंड स्केल, स्लज और स्केल का फॉर्मेशन ना हो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है, क्या रिमूवल मेथड अपनाने चाहिए वो देखेंगे। लास्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल्स। तो फर्स्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग फिक्स है एग्जाम में आना, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉयलर इज यूज फॉर स्टीम generation when hard water continuously evaporated in the boiler, it increased the concentration of dissolved salt. Then the salt Ca2+ and Mg2+ with other soluble impurities are precipitated on the inner part of the boiler. क्या मतलब है, हम boiler का use क्यों करते हैं steam के production के लिए। ठीक है, अगर हम boiler का use कर रहे हैं और उसके अंदर जो हम पानी use में ले रहे हैं उसके अंदर कोई भी impurities हैं, ठीक है, या फिर वो पानी हार्ड है, हार्ड वाटर यूज में ले रहे हैं, तो क्या होगा, व्हेन हार्ड वाटर कंटिन्यूअसली इवेपोरेटेड, जब हार्ड वाटर से हम कंटिन्यूअसली स्टीम का प्रोडक्शन करते रहेंगे तो उनके अंदर जो सॉल्ट इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि पानी तो इवेपोरेट होता जाएगा लेकिन इंप्यूरिटीज वही रहेगी, तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। Then the salt Ca2+ and Mg2+, तो ये जो salts हैं Ca2+ और Mg2+ और बहुत सारी impurities भी हैं, वो क्या होती है साथ में precipitate on the inner part of the boiler। Precipitate means धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, नीचे बहती चली जाएंगी boiler के inner part के अंदर। ठीक है, तो precipitate भी two types के हो सकते हैं। When the precipitate formed soft, loose and slimy, known as sludge। ठीक है, स्लज किसे कहेंगे, जब हमारा जो प्रेसिपिटेट बन रहा है यानी कि जो इम्प्यूरिटीज पानी के कंटिन्यूसली वेपरेशन के बाद जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सॉल्ट का, उसके बाद जो प्रेसिपिटेट हो रहा है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेट सॉफ्ट लूज एंड स्लिमी, अगर ये किस तरह का होगा, गम टाइप का, तो ये क्या कहलाएगा, स्लज। व्हेन द प्रेसिपिटेट फॉर्म हार्ड इज कॉल्ड स्केल, जब प्रेसिपिटेट हमारा हार्ड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केल फॉर्मेशन। तो चलिए बात करते हैं स्लज फॉर्मेशन के बारे में। स्लज इज सॉफ्ट लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द बॉयलर ड्यूरिंग द स्टीम जनरेशन। अगर हम बॉयलर के अंदर स्टीम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा जो प्रेसिपिटेट बचता है, बनता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में चिपचिपा टाइप का, मतलब गम टाइप का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लज कहेंगे। अब स्लज बनता क्यों है, स्लज आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस विच है ग्रेटर सोलिबिलिटी इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर। कुछ सब्सटेंस पानी के अंदर ऐसे होते हैं जो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं हॉट वाटर के अंदर। ठीक है, तो जब पानी गर्म होता है बॉयलर के अंदर, फिर बॉयलर का वो पार्ट जहां पे पानी गर्म है वहां पे क्या होता है, वो घुलनशील रहते हैं, सोल्युबिलिटी मतलब सोल्युबल मतलब घुलनशील रहते हैं, लेकिन जब जैसे वो थोड़े कोल्ड स्थान पे आते हैं, कोल्ड पार्ट के अंदर आते हैं बॉयलर के, तो वो प्रेसिपिटेट यानी घुलनशील नहीं होते हैं, वो घुली अवस्था में नहीं होते, वो बाहर एक तरह से तैरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। स्लज आर यूजुअली फॉर्म्ड इन कोल्ड पार्ट ऑफ बॉयलर, ठीक है, and collect the at the palace where the flow rate is slow। स्लज कैसे बनते हैं, कोल्ड पार्ट के अंदर बनते हैं, क्यों, क्योंकि वो कम सोल्यूबल होते हैं कोल्ड वाटर के अंदर। ठीक है, और कलेक्ट कहाँ पे होते हैं, पैलेस वेयर फ्लो रेट इज स्लो, जहाँ पे फ्लो रेट क्या होता है, पानी का वो स्लो होता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब क्या हम क्या प्रॉब्लम है अगर स्लज का फॉर्मेशन हो रहा है तो। वेस्टेज ऑफ हीट, सबसे पहले वेस्टेज ऑफ हीट होती है, जैसे क्योंकि हम बॉयलर को, बॉयलर से स्टीम प्रोडक्शन के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो हीट वेस्ट होती है, कैसे होती है, स्लज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दैट्स व्हाई इट
वेस्ट अ लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, स्लज क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये जल्दी गर्म नहीं हो पाते हैं. तो अगर पानी के अंदर स्लज है तो क्या होगा, वो हीट को वेस्ट कर देते हैं. स्लज डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ बॉयलर, हैंस डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. और बॉयलर की जो वर्किंग है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं स्लज, और एफिशिएंसी कम कर सकते हैं. चॉकिंग द पाइप्स, एक्सेस ऑफ स्लज सेटल इन द पाइप एंड चॉक्ड इट. अगर ज़्यादा मात्रा में स्लज की फॉर्मेशन हो चुकी है तो क्या होगी, पाइप के अंदर इकट्ठी होगी और वहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो थोड़ा कम होगा या फिर उसको रोक सकती है. तो ये कुल मिला के ये पाइप को चॉक कर सकती है, जो कि बहुत डेंजरस है. ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ स्लज, स्लज से कैसे बचा जाए, बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर. अगर हम सॉफ्ट वाटर यूज करेंगे तो उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगी, इम्प्योरिटीज नहीं होगी तो स्लज का फॉर्मेशन नहीं होगा. बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग ऑफ पोर्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड रिप्लेस बाय फ्रेश वाटर. ठीक है, ब्लो डाउन ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, जो भी हमारे स्लज इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसको टाइम टू टाइम ब्लो डाउन करते रहो. ठीक है, या फिर आप पानी जो यूज में ले रहे हैं उसको थोड़े टाइम बाद रिफ्रेश करते रहो, नया पानी यूज में लो. इस तरह से आप स्लज फॉर्मेशन से बच सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है स्केल फॉर्मेशन. स्केल आर हार्ड और कोटेड फॉर्म्ड ऑन द इनर पार्ट ऑफ द बॉयलर, दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव. जब प्रेसिपिटेट इवेपोरेशन के बाद जो सॉल्ट्स बचते हैं वो प्रेसिपिटेट धीरे धीरे इकट्ठे होकर कहीं चिपकते हैं, बैठते हैं. अगर वो प्रेसिपिटेट हार्ड है तो हम उसको कहेंगे स्केल फॉर्मेशन. आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने दांतों का, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीला पीला कहीं बैठता है और फिर वो बहुत मुश्किल से हटता है. तो इस तरह से स्केल फॉर्मेशन, और भी आप बहुत सारे देखे होंगे एग्जाम्पल. ठीक है, पुरानी मशीनरी जिसके अंदर पानी का, जिससे हैंडपम्प्स होते हैं, तो जब उनको हम उनके पार्ट्स खोदते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब सॉल्ट, नमक जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि परत बना के चिपके होते हैं, तो वो स्केल फॉर्मेशन के एग्जांपल हो सकते हैं. और ये स्लज से तो ज़्यादा ही डेंजरस. अब क्यूज देख लेते हैं कि किस वजह से स्लज का स्केल का फॉर्मेशन होता है. दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय CaSCO3-2 एंड MgCl2 इन लो प्रेशर बॉयलर एंड CaSO4 एंड सिलिका इन हाई प्रेशर बॉयलर. देखो, अगर लो प्रेशर बॉयलर है तो उसके अंदर स्केल फॉर्मेशन किसके वजह से होगी, CaSCO3-2 एंड MgCl2. अगर वो हाई प्रेशर बॉयलर है तो उसके अंदर सिलिका एंड CaSO4 की वजह से स्केल की फॉर्मेशन हो सकती है. तो डीपली जानते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोलाइसिस ऑफ MgCl2, इसका मतलब क्या है, जल अपघटन किसका, MgCl2 का. द Cl2 MgCl2 हाइड्रोलाइसिस अंडर द हाई टेम्परेचर कंडीशन टू गिव सॉफ्ट MgOH2 स्केल्स. ठीक है, क्या होगा, MgCl2 अगर प्रेजेंट है पानी के अंदर तो वो जब पानी से मिलता है तो रिएक्शन करके क्या लेता है हमें, सॉफ्ट MgOH2, जो कि क्या है, स्केल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है. डीकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी कि हमने पढ़ा अभी CaSCO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है स्केल फॉर्मेशन के लिए. अगर वो डीकम्पोज हो जाता है तो CaSCO3 और प्लस H2O प्लस CO2 बनता है. CaSCO3 इज सॉफ्ट एंड मेन क्यूज ऑफ स्केल फॉर्मेशन. ठीक है, ये भी एक सॉफ्ट प्रेसिपिटेट है और मेन क्यूज है स्केल फॉर्मेशन के लिए. MgSCO3 डीकम्पोज होगा तो MgSCO3 प्लस H2O प्लस CO3 बनाएगा. MgSCO3 भी में फर्दर डीकम्पोज. ठीक है, अब MgSCO3 क्या होगा, फर्दर आगे वो डीकम्पोज होगा नियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर पे MgSCO2 और आगे भी डीकम्पोज हो सकता है. ठीक है, और दे सकता है क्या, MgCO2. बट एट द हाई टेम्परेचर प्रेशर बॉयलर CaSCO3 इज सुटेबल सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, हाई टेम्प, जब हाई टेम्परेचर हाई होगा तब क्या है, ये जो हमारा पहला प्रेसिपिटेट बना है ना CaSCO3, ये तो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा. मेनली बचता क्या है लास्ट में, MgCO3. ठीक है, तो ये मेन रीजन है स्केल फॉर्मेशन के लिए. अब आप ये भी देख सकते हैं, मैं इसको पूरा डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ लेना. ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ CaSO4, अगर CaSO4 का डिकम्पोजन होता है उसकी वजह से भी स्केल फॉर्मेशन बन सकता है. फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट, और सिलिकेट अगर बन गया, ठीक है,
देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट ऑफ सी ए एंड एम जी में टैपेल इज अज सी एस आई ओ टू एंड एम जी एस आई ओ टू, यानी कि सी ए और एम जी सोल्ट के अगर सिलिकेट बन गए, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, स्केल का फॉर्मेशन हो सकता है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन, अगर स्केल की फॉर्मेशन हो गई तो उसमें क्या बुराई, क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्केल मे बी क्यूज्ड ऑफ क्लॉगिंग द पाइप और बॉयलर, दैट्स व्हाई एफिशिएंसी मे बी डिक्रीजेस। डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, बॉयलर की एफिशिएंसी को क्या करते, कम करते, क्योंकि ये भी क्या कर सकते हैं, पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है बॉयलर की। वेस्टेज ऑफ हीट, हीट का ऑफ कोर्स वेस्ट करेगी, क्योंकि देखो ये बॉयलर की ना दीवारों से चिपक जाएंगी, स्लज तो क्या हो इकट्ठी होगी, वो चिपचिपी पदार्थ थी, ठीक है, लेकिन ज्यादा डेंजरस कौन है, स्केल है, क्यों, क्योंकि बॉयलर की दीवार चिपक जाएगी और जो हीट होगा वो बॉयलर की दीवार तो अच्छे से हीट हो जाएगी, बट जो प्रेसिपिटेट है वो पानी के टच में रहता है, ठीक है, तो वो हीट इतना कन्वर्ज नहीं कर पाती है पानी को, इसलिए क्या होता है, वेस्टेज ऑफ हीट हो जाती है, ठीक है। डेंजर एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। स्केल फॉर्मेशन आल्सो लेड टू अनइवन एक्सपेंशन, ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन द थिक स्केल क्रैक्ड, टच द वाटर कम्स सडन कॉन्टैक्ट विथ ओवरलोडेड ओवरहीटेड आयरन। देखिए क्या होता है, स्केल फॉर्मेशन आल्सो लीड टू अनइवन एक्सपेंशन, जब स्केल की फॉर्मेशन होता है तो कहीं कहीं पे स्केल की बहुत ज्यादा मोटी परत बन जाती है, कहीं पतली परत जाती है, तो अनइवन एक्सपेंशन यानी कि जो टेम्परेचर का डिवीजन है वो अनइवन हो जाता है, कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर हो गया, कहीं पे कम टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन स्केल क्रैक, और इसकी वजह से क्या हो सकती है, स्केल जो है फॉर्मेशन, स्केल की जो फॉर्मेशन हुआ है उनकी दीवार पर चिपकी जो स्केल से वो क्रैक हो सकती है। अब क्रैक होने पे क्या होगा, सडनली पानी जो पहले किसके कॉन्टैक्ट में था, स्केल के, लेकिन जैसे अनइवन एक्सपेंशन हुआ तो उस स्केल की दीवार जब क्रैक होती है तो क्रैक होने की वजह से क्या होता है कि पानी सीधे मेटल के कॉन्टैक्ट में आ जाता है अचानक, और पानी अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसकी वजह से स्टीम का जो प्रोडक्शन है वो रेट है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अचानक ही जो प्रेशर है बॉयलर के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो क्या उसकी वजह से क्या हो सकता है, बॉयलर फट सकता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, इसको याद रखें। सडनली द सडन इंक्रीज इन प्रेशर लीड टू सडन एक्सप्लोरेशन, यानी कि विस्फोटक भी हो सकता है। बॉयलर बिकम अनसेफ, ठीक है, अनसेफ किस होता है, द ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन, देखो स्केल की फॉर्मेशन होगी तो पानी सीधे स्केल के कॉन्टैक्ट में रहेगा, मेटल के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, तो ऑक्योर द मेटल बिकम वीक एंड सॉफ्ट, तो इसकी वजह से हमें क्या, पानी को इवेपोरेटेड करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तो क्या होगा, जो मेटल है वो क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, इस वजह से क्या हो सकता है, उसकी क्रैकिंग के प्रॉब्लम्स आ सकती है। द डिस्टोर्शन ऑफ बॉयलर मेटल इज कॉल्ड बैगिंग, द ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर लीड टू डिस्टोर्शन ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर के मेटल के अंदर उसकी क्वालिटी खराब होने को क्या कहेंगे, बैगिंग कहेंगे। कोरोजन, द लार्ज अमाउंट ऑफ स्केल फॉर्मेशन में क्यूज अ कोरोजन, अगर ज्यादा मात्रा में स्केल की फॉर्मेशन हो रही है तो वो बॉयलर के अंदर क्या कर सकती है, कोरोजन जनरेट कर सकती है। अब हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन स्केल स्लज एंड स्केल, तो हम ये देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम रिमूवल ऑफ स्केल देख लेते हैं कि कैसे हम स्केल के रिमूवल से बचें। रिमूवल ऑफ स्केल, इफ द स्केल आर लूजी एंड एडहियर इट कैन बी रिमूव बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन और वायर ब्रश। अगर जो स्केल का फॉर्मेशन हुआ है वो इतना टफ नहीं है, थोड़ा लूजी पार्टिकल्स है उसके अंदर, तो हम उसे सीधे ब्लो डाउन ऑपरेशन, यानी कि अगर वो जहाँ इकट्ठा हुआ है प्रेसिपिटेट वहाँ से सीधे हम ब्लो डाउन करके उसका रिमूवल कर सकते हैं। सेकेंड है केमिकल रीजंस कैन डिजोल्व स्केल्स, कुछ केमिकल्स हैं जो स्केल्स को डिजोल्व करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं और फिर हम ब्लो डाउन उसको करके रिमूवल कर सकते हैं। तो पहला है CaCO3 डिजोल्व इन 5-10% ऑफ HCl, ठीक है, 5-10% HCl में अगर CaCO3 डिजोल्व है तो उसका यूज हम स्केल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। CaSO4 डिजोल्व इन EDTA बिकॉज इट मेक अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, CaSO4 डिजोल्व इन EDTA से भी हम स्केल का रिमूव कर सकते हैं। बाय गिवन थर्मल शॉक,
ठीक है, बॉयलर के जिस वॉल पर स्केल का फॉर्मेशन हुआ है हम वहां पे उनको थर्मल शॉक देकर भी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटेशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन, कैसे बचे स्केल फॉर्मेशन से। ठीक है, द स्केल फॉर्मेशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग द बॉयलर वाटर इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। इन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट include the boiler softening techniques and internal treatment refers to water treat in boiler itself. तो scale formation की prevention के लिए हमें क्या use करना चाहिए, soft water या फिर हम जो भी हम water use कर रहे हैं उसको पहले हम treat कर दें, कहाँ पे externally और internally। अगर internally और externally treat कर दें तो वो पानी क्या हो जाएगा, soft बन जाएगा और उसको हम फिर use कर सकते हैं। अब external का मतलब क्या है, outside of the boiler कुछ chemical मिला दे, फिर किसी और machine की help से हमने अगर पानी को soft कर लिया तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कहलाएगा। और अगर इंटरनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बॉयलर के अंदर ही कुछ पोर्शन में हम पहले पानी को ट्रीट करें ताकि वो सॉफ्ट बन जाए, फिर हम उसका यूज करेंगे स्टीम प्रोडक्शन के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, जो कि हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल। ठीक है, The precipitate are soft, loose and slimy in nature. Sludge क्या होता है? Precipitate are soft, loosey, चिपचिपा, ठीक है? तो वो क्या होगा? Sludge कहलाएगा। The precipitate are hard and sticky. Hard अगर precipitate और sticky है, तो वो scale कहलाएगा। Sludge can be easily removed by scraping with a brush. ठीक है? अगर brush से हम sludge को कैसे साफ कर सकते हैं? इसलिए हम brush से उसको साफ कर सकते हैं। Scales are difficult to remove even with the help of hammer and चेसल। स्केल इतना टफ होता है कि उसको हम हैमर हथौड़ी की हेल्प से भी नहीं हटा सकते। स्लजेस एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड वेस्ट अ पोर्शन ऑफ हीट जनरेटेड। स्लज क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसलिए हीट को वेस्ट कर सकता है। लेकिन दीज आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वेस्ट द ऑफ हीट इज मोर, यानी कि स्केल स्लज से ज्यादा हीट वेस्ट करता है। एक्सेसिव स्लज फॉर्मेशन डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ बॉयलर एंड मेक यूज इवन चॉकिंग ऑफ पाइप। अगर ज्यादा मात्रा में स्लज बन गया तो क्या होगा, पाइप में खट्टा हो जाएगा, उसके वजह से ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। इफ स्केल आर फॉर्म्ड अलोंग विद स्लज विथ बोथ गेट डिपोजिट ऑन अज स्केल, अगर स्केल और स्लज दोनों मिक्स हो जाए तो दोनों ही मिलकर स्केल के फॉर्म में डिपोजिट हो जाएंगे। Sludges are formed at colder portion where flow rate is slow. हम पहले बात चुके हैं स्लज कहाँ बनता है, जहाँ पे colder portion of boiler, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा हीट कम हो और फ्लो कम हो, वहाँ पे स्लज फॉर्मेशन। स्केल आर एडहियर ऑन द इनर वॉल ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के इनर वॉल के अंदर स्केल फॉर्म होती है। स्लज आर फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंस विच हैव जनरेटेड सोलिबिलिटीज इन हॉट वाटर एंड देन इज कॉल्ड वाटर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस ज्यादा डिजोल्व है या सोल्युबल है हॉट वाटर के अंदर, तो वो क्या होगा, कोल्ड वाटर के अंदर जाते ही थोड़ा कम डिजोल्व होगा और प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो वो स्लज फॉर्मेशन करते हैं। इसके ऐसा जनरली डू नॉट डिजोल्व इन हॉट वाटर, बट स्केल क्या होता है, गर्म पानी के अंदर भी डिजोल्व नहीं होते। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, MgCO3, MgCl2, CaCl2, MgSO4 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स इसके CaCO3, CaSO4, MgOH2, CaSiO3, MgCl3। दे डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर बट लेस डेंजरस, दे आर मोस्ट डेंजरस। ही कैन बी रिमूव्ड बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन, इसको ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं। जनरली नीड अदर मेथड लाइक यूजिंग केमिकल एक्सेट्रा, इसको भी ब्लो डाउन से हम रिमूव कर सकते हैं, बट पहले हमको उसको केमिकल मिलाकर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thanks.